देखो महात्मा गांधी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। हमारे यहां तो एक नेताजी पत्नी विदेशी ले आए, अब परिणाम आपके सामने। एसी मशीन बनाऊंगा, इधर से बेरोजगार घुसेगा, उधर से रिटायरमेंट होकर निकलेगा। मेरा तो एक ही परिचय हुआ था हरियाणा की लड़की से, एक ही हुआ था। एक बस स्टॉप पे मुझे पता लग गया वो हरियाणा की है। बस स्टॉप पे तीन खड़ी थी, वो एक लखनऊ की खड़ी थी, एक दिल्ली की खड़ी थी, एक हरियाणा की खड़ी थी। पता कैसे लगा? मैं जा रहा था, अब जा रहा था तो एक बार पलट के देख भी लिया, देखा तो आगे एक पत्थर का टुकड़ा था, मेरा पैर लगा, मैं गिर गया वहां पे। अब लखनऊ की लड़की, ओहो आपको चोट तो नहीं आई? अच्छा। दिल्ली की लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज। हरियाणा की लड़की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। मैं तो पिछले दिनों कश्मीर गया, मैंने जाकर एक आदमी को 500 रुपए दिए, मैंने कहा छुट्टे देना, तो उसने मुझे 130 रुपए दिए गिनकर। मैंने पूछा बाकी के 370, बोलो वो तो मोटा भाई ले गए। एक वाक्य बहुत तकलीफ देता है, बेटी बचाओ, वहां तक तो ठीक था, ये आगे लगे बेटी पढ़ाओ। तो मित्रों मैंने सहजता में पूछ लिया किसी से कि मैंने कहा क्यों पढ़ाओ, तो दिनेश भैया ने मेरा कान पकड़े, बोले हिमांशु तू भले कुछ भी कर चुका हो लेकिन तेरा अनुभव छोटा है बेटा, गलत बात मत किया कर। मैंने कहा गलत बात क्या करी? बोले हिमांशु इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के चार लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। मैंने कहा दिनेश भैया उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं हमारी छाती पे सांप लौट गया। दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके शत्रु ने आपके आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं तो साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन होगा और वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। क्योंकि मरुस्थल में मीठे पानी के कूप जैसी होती है ये बेटियां, हाँ ये बच्चियां साक्षात लक्ष्मी के रूप जैसी होती है, लेकिन मेरा दुख ये है कि ये लक्ष्मी का रूप मेरे को मेरी बेटी में दिखता है, मेरे ससुर की बेटी में तो भवानी ही नजर आती है। बच्चों से आप नहीं जीत सकते। वो मेरे दोस्त का लड़का टीवी देख रहा था तो उसकी दादी ने बोला, बोले नालायक दिन भर टीवी देखता है, आ कुछ बातें करते। बोले दादी क्या बातें करे? चाचा जान, बच्चा बोला, बोले दादी क्या बातें करे, ले देखे चार छह सात छह लोग तो हैं हम। बोले छह कैसे? बोले एक आप, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी, एक मैं और एक बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पिताजी से बोल दूंगी, वो एक कुत्ता लेके आ जाएंगे, अपन सात हो जाएंगे। वाह। बोले वो कुत्ता इस बिल्ली को मार के खा जाएगा, अपन फिर छह हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल को तेरी दुल्हन घर आएगी, अपन फिर सात हो जाएंगे। बोले फिर बहन की विदाई हो जाएगी, अपन फिर छह। बोले कोई बात नहीं, तेरे भी आंगन में किलकारियां गूंजेगी, तेरे भी बाल गोपाल होंगे, अपन फिर सात हो जाएंगे। बोले हाँ फिर तुम निपट लोगी। वो दादी ने बोला जा नालायक तू जाके टीवी देख। जी गुरु जी, हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात करा क्यों? दारू पीते हैं, मानते नहीं, बहुत सब जाते हैं आपके कथा सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हमें कोई सुधार नहीं पाएगा, हम दारू पिएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुधार नहीं पाएगा आपको, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुधारा उसी को जा सकता है जो सुधरना चाहे, जो सुधरना ही ना चाहे। रावण को ब्रह्मा ना सुधार पाए, गुरु हनुमान जी ना सुधार पाए, तो भला हम आपको क्या सुधार पाएंगे। गुरु जी जब से आपका कथा सुन रहा हूँ तब से कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ, दो दिन तीन दिन छूटता है, फिर संगत के साथ मिल जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। गुरु जी संगत बहुत बुरी है, बहुत सब लोग दारू पीते हैं, आप बोलने ना दोगी उनको? संगत हमारी वही काम ही है गुरु जी। तो संगति ऐसी छोड़ो ना, कम से कम फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए, 22 में मत करो, 23 में मत करो, 24 में कर लो तो अच्छा है, वरना 25 हो जाए, 26 तक नहीं हो पाई और 27 तक रुके तो लड़का लड़की भाग जाए, सारे नहीं पर बहुत सारे। ओए
पास के डॉक्टर साहब, मैं गर्म पानी पीता हूँ, गरारे करता हूँ, नींबू पानी पीता हूँ, बार बार दिन में 50 बार हाथ धोता हूँ, हैंड सैनिटाइजर करता हूँ, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए, अब मेरे को और क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब बोले, भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है, या फिर वो रामचंद्र जी आके तेरी नाभि में तीर मारे। मेरे पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया था, बेटा किसी भी नेता से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां जरूर गिन लेना। नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है, भोजन में फल पर अनार जैसा चाहिए, और बालों में लगाने हैं तो पुष्प ना गुलाब का भी, उसको तो कोई कचनार जैसा चाहिए, और मार्च के महीने में है ओवर टाइम का बोझ, किंतु अवकाश रविवार जैसा चाहिए, और बार बार करे वार दिखे ललिता पवार, किंतु पति अक्षय कुमार जैसा। अच्छा कहते हैं कि लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है और लड़कों का दिल मोबाइल की तरह होता है, चाहे पानी मोबाइल में गिरे या मोबाइल पानी में गिरे, सत्यानाश तो लड़कों का ही होता है। वीडियो अच्छा। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा, लड्डू खावेगी बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में, तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ना उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, और दिमाग खराब कि क्या टाइप किया था उसने। पिछले दिनों राम का ऐसा ही मेरे पास मैसेज आया, मैंने इसको वापस रीटाइप किया, मैंने कहा बोलिए राम क्या बात हो गई थी, तो इसने वापस रिप्लाई किया, बोले हिमांशु भैया थोड़े से पैसों की जरूरत थी, मैंने कहा वापस डिलीट कर। जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रखती हैं ये एक चीज, वो रातों रात माला माल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, चलो जानते हैं चावल के डिब्बे में क्या रखना चाहिए, लेकिन इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसों की तंगी हो रही है, तो अपने रसोई घर में यह कुछ उपाय करें। नंबर एक, किचन में किसी भी तरह सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। नंबर दो, अगर किचन गलत कोने में हो तो किचन का रंग हल्का पीला या नारंगी रखें। नंबर तीन, रसोई की चारों दीवारों पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। नंबर चार, चावल के ढेर में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपने वीडियो में देखा होगा कि पत्नी जब मायके जाती है तो पति बहुत खुश होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि पत्नी के मायके जाने के बाद पति का कहीं भी मन नहीं लगता है, रसोई कबाड़ खाना बन जाता है, घर भूत बंगला बन जाता है, और यहाँ तक कि पति का टाइम पर नहाना और खाना भी नहीं होता है, इसके लिए भी वो अपनी पत्नी पर डिपेंड रहता है। लेकिन इसके बाद भी सभी पति अपनी पत्नी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। अगर सही मायने में बात की जाए तो जीवन की सच्ची साथी पत्नी ही होती है, बाकी सब रिश्ते समय के साथ खत्म हो जाते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता अंत समय तक चलता रहता है। और हाँ, पत्नी के मायके जाने के बाद पति खुश नहीं होते हैं, वो आपको सिर्फ वीडियो में ही देखने को मिलेगा।